नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था मोक्ष को लेकर, उसमें अच्छे व्यूज़ गए हैं, लेकिन आप सबों से मैं नाराज़ हूं, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, 400 की फैमिली है, और उतने व्यूज़ जो है नहीं आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं अध्यात्म को लेकर, लौकिक परलौकिक चीज़ों को लेकर, और ये वीडियो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारा जो वीडियो का जो विषय है वो थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर है, इसलिए सभी व्यूवर्स से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है, तभी आप हमारे इस चैनल में आकर वीडियो को देखें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अध्यात्म, लौकिक, परलौकिक, पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर वीडियो बनाते हैं, तो आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही खास है। आज के वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि जिन और जिन्नात आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत लोग जिन और जिन्नात शब्द से परिचित तो हैं, लेकिन जानते नहीं है कि आखिर यह है क्या। बोलचाल में कह देते हैं जिन जिन जिन, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जिन होता क्या है। शायद आपको भी नहीं पता होगा जिन होता क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जिन आखिर है क्या। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। देखिए, अगर आप एक हिंदू हैं तो आप भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, और हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी भूत, प्रेत, पिशाच के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं भी जिन्न का उल्लेख नहीं है और न ही जिन्नात का उल्लेख है। तो जिन और जिन्नत है क्या? अगर आपका कोई मुस्लिम दोस्त होगा या है, तो आप उनसे इस बारे में पूछिए, डिस्कस कीजिए, वो आपको बताएंगे कि जिन और जिन्नत होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार हमारे हिंदू संस्कृति में, परंपरा में, धार्मिक ग्रंथों में व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो भूत, प्रेत, आत्मा बन जाती है, तो उसी प्रकार मुस्लिम में उसी व्यक्ति की आत्मा, अगर कोई मुस्लिम मर जाता है, तो उसकी आत्मा जिन या जिन्नात बन जाती है। बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। जो भूत प्रेत हम कहते हैं ना इस्लाम में, यानी मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में, उसी को जिन और जिन्नात कहा गया है। जिन जिन्नात जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। अब बात करते हैं ये जिन है क्या। देखिए, जिन जो है ना एक अरबी शब्द है, अरब से उठकर ये शब्द आया है। आपको आप जब मुस्लिम धर्म के बारे में जानेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा जिन और जिन्नात के बारे में। जिन जो होते हैं अक्सर वे आग से बने होते हैं, ऐसा इस्लाम में कहा गया है कि आग से बने होते हैं जिन। और इनका जो उम्र है, कोई भी जिन की जो उम्र है, वो लगभग 1000 साल से लेकर 5-6 हज़ार साल तक वे जीवित रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर मरने के बाद जिन बन जाता है तो 1000, 5000, 2000, 3000 साल तक वो जिन बनकर रहता है। तब तक जिन बनकर रहता है जब तक उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और ये जिन बेहद खतरनाक होते हैं, अदृश्य होते हैं। तो अरबी में जिन भाषा का जो शब्द है, उसका शब्द का जो अर्थ है वो है अलौकिक, यानी ना दिखने वाली ताकत। कुरान में कहा गया है कि जिन का अस्तित्व हवाओं में है, यानी जिन जो है हवा में है, आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, और इंसान जो है मरने के बाद जिन बन जाता है। तो आप समझ गए कि जिन यहाँ पे है क्या। देखिए, जिन के बारे में या उसके रूपों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जिन रहते कहाँ पे हैं। कोई सुनसान जगह, कब्रिस्तान, वैसी जगह जहाँ पर लोगों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर पूजा पाठ, नमाज वगैरह नहीं होती है, वहाँ पर ये अपना बसेरा करते हैं। कोई पुराना खंडहर, कोई पुरानी तालाब, ये भी आप जान लीजिए, पानी में भी ये लोग रहते हैं। जी हाँ, अगर आप इस्लाम को स्टडी करेंगे जिन के बारे में, तो आपको ये मिलेगा कि जिन जो है पेड़ पे, पानी पे, यहाँ तक कि जमीन के नीचे भी रहते हैं। कोई अगर जमीन है उसके नीचे भी जो है ये लोग अपना बसेरा करते हैं, पानी के नीचे भी रहते हैं। ऐसे कई सारी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा आगे, जिनमें ये पाया गया है कि तालाब से निकलकर जिन आया और किसी लड़की को फिर तालाब के अंदर लेके चला गया। तो आइए अब बात करते हैं कि कितने तरह के जिन होते हैं, क्योंकि जिन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं ना, जिस तरह भूतों के बहुत सारे टाइप होते हैं, चुड़ैल, प्रेत, ठीक है, निशाचर, तो उस तरह जिन्नों के भी टाइप होते हैं। सबसे पहला है मरीद। देखिए, मरीद किस्म का जो जिन होता है ना, सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति का है
होता है उसे हम लोग मरीद कहते हैं। आपने अगर अलादीन का चिराग मूवी देखा होगा तो उसमें जो जिन आता है ना वो मरीद जिन है और ये हवाओं में ये उड़ते हैं, इनका जो है पैर हो सकता है कि पैर नहीं हो, ये हवाओं में तैरते हैं, ये ज़मीन पर चलते नहीं है, ये हवाओं में आएंगे और हवा में ही फिर ये मिल जाएंगे। उसके बाद आता है इफ्रित। इफ्रित जिन जो है बहुत ही मतलब कि रहस्य इंसानी दुनिया के समांतर है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो इंसानी दुनिया जैसे ही इफ्रित जिनों की भी दुनिया होती है, इसमें महिला और पुरुष दोनों इफ्रित साथ रहते हैं, ठीक है। और जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत भी रखते हैं, जिन्नात जो होते हैं ये बहुत जल्दी इंसानों से घुल मिल जाते हैं, इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं, हो सकता है कि इंसान का रूप लेकर आपसे मिलने के लिए आए, उसे कहते हैं इफ्रित। अब है सिला। देखिए सिला मतलब महिला, आप समझ लीजिए कि महिला जिन होगा ये, ठीक है। ये सिर्फ महिला जिन ही होती है। कौन सिला? अगर कोई मरने के बाद सिला बन जाती है तो वो महिला रही होगी, मरने के बाद वो सिला बन गई। ये बहुत ही आकर्षक होती है, देखने में सुंदर होती है और ये अपने रूप से लोगों को मोहित कर लेती है और ये अक्सर उन्हीं लोगों को अपने चंगुल में लेती है जिनका विवाह नहीं हुआ हो, जो कुंवारे हो। अक्सर गांव में कहते हैं ना कि तुम कुंवारे हो तो तुम इस पेड़ के वहां से मत गुजरना, जिन पकड़ लेगी। तो ये कौन जिन पकड़ लेगी? ये सिला जिन पकड़ लेगी। मरीद आपको नहीं आएगा पकड़ने के लिए, क्योंकि मरीद का कुंवारा लड़का से कोई मतलब नहीं है। कुंवारी जिन जो होती है, लड़की जो होती है जो मर जाती है, वही कुंवारी जिन बन जाती है मरने के बाद, तो वही जो है लड़कों को फंसाती है। और इन्हें जो है बहुत कम देखा गया है, बहुत ही कम। अब बात करते हैं घुल। एक जिन ऐसा भी है जिसे घुल कहते हैं और ये बहुत ही खौफनाक प्रजाति का जिन है। ऐसी मान्यता है इस्लाम में कि यह जिन जो है कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं और इंसानी मांस खाते हैं और इसीलिए इन्हें क्रूर और शैतान से मिला जुला जो है माना गया है। ये बहुत ही खतरनाक जिन होते हैं। अब बात करते हैं बेताल की। बेताल के बारे में आपने सुना होगा, विक्रम बेताल की कहानियाँ, राजा विक्रम के पीठ पर जो जिन है बेताल वो आता है और उसे कहानी सुनाता है। देखिए बेताल अगर क्या है आपको जानना है तो आप समझ लीजिए कि वैम्पायर है ये, ठीक है। ईसाई धर्म में जो वैम्पायर कहते हैं ना, तो ये वैम्पायर है। ये जिन जो है बेताल ये इंसानों के खून पर जिंदा रहते हैं ऐसा कहा गया है। अब सच है कि नहीं ये तो अलग बात है, इसका डिस्कशन हम वीडियो के बाद में करेंगे, लेकिन जो इस्लाम कहता है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये इंसानों का ताजा खून पीते हैं और ये जिन जो होते हैं ना बेताल, ये भूतकाल भविष्यकाल आपका सब देख सकता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आपका सब कुछ वो देख लेगा। कौन? देखिए अब क्या होता है ना कि जिन और जिन्नात को कई लोग अपने वश में करते हैं। आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में जो बहुत ही बड़े पीर फकीर होते हैं वे जादू टोना झाड़फूँक करते हैं, भूत भगाते हैं। तो कैसे भगाते हैं? तो उनका कहना है कि वे लोग जिन और जिन्नात को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी, इसके बारे में मैं आपको एक और दिन बताऊँगा। आज की वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। मैंने एक पीर फकीर से पूछा, अपने दोस्त को मैं लेकर गया था उनके पास मतलब कि झाड़फूँक के लिए। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो उनसे मैंने पूछा, कुछ ऐसी घटना वहाँ घटित हुई उनके साथ, मैंने उन्हें पूछा कि कितने जिन को आप बस में किए हैं? तो उन्होंने कहा 3-4। तो जो भी हो मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊँगा। तो कई लोग इसे अपने वश में करते हैं। दो किस्म के लोग होते हैं जो इन्हें वश में करते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे काम में इनको लगाते हैं, जैसे कि लोगों को उनके तबीयत ठीक करने में, अगर किसी को ख़राब चीज़ ऊपरी हवा लग गई है, प्रेत बाधा आ गई है, तो उन्हें ठीक करने में। और दूसरे वे लोग होते हैं जो अपनी मनोकामनाओं को, अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए जिनको अपने वश में करते हैं उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, और उनसे अपनी सारी काम करवाते हैं। तो ऐसे लोग क्रूर होते हैं, ऐसे लोगों का दोस्तों मतलब दुनिया में कोई जगह नहीं है। वे शैतान की कैटेगरी में आ जाते हैं वैसे लोग जो बुरे काम करवाते हैं इन जिन्नों से। देखिए अब बात करते हैं कि अगर कोई जिन है, अगर उनके जगह पर हम अगर दखल अंदाजी करें तो क्या होगा? देखिए जिन्नों की दुनिया एक अलग दुनिया है, आप उन्हें देख नहीं सकते तब तक जब तक वो खुद न चाले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन को अपने वश में करते, मैंने पहले आपको बताया, उन्हें जिन दिख जाता है, वे देख सकते हैं जिन को, ठीक है, अगर वो देखना चाहे तो, क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, वे सिद्ध करते हैं उन चीज़ों को। अब सबसे रोचक बात जिन और जिन्नात को लेकर यह है, आप ये सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे, आपको विश्वास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। अगर मान्यता है तो कुछ तो जरूर होगा ही।
जिन और जिन्नात इंसान के साथ संभोग कर यानी सेक्स करके बच्चे भी पैदा करते हैं, ऐसा देखा गया है। टीवी सीरियल में तो दिखाया ही गया है, हकीकत में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि जो है जिन और जिन्नात किसी इंसान के साथ सेक्स करने के बाद, संभोग करने के बाद जो है उनका बच्चा भी हुआ है, यानी ये इंसानों से दोस्ती भी करते हैं। मैंने आपसे कहा ना इफ्रित जिन के बारे में, तो इफ्रित जिन जो होते हैं, वो होते हैं ना, वह इंसानों से दोस्ती करते हैं। अगर वह लड़की है तो उनसे शादी करते हैं, लड़का है तो इफ्रित जिन उससे शादी कर लेती है, तो शादी करने के बाद अपना संसार भी वो लोग जो है उसी इंसान के साथ जो है ना बनाती है। ऐसी भी मान्यता है कि उस जिन के साथ, वह जिन आपके साथ डील करती है। अगर मैं हूँ ना सूरज, अगर कोई जिन आती है और मुझसे डील करती है कि तुम मुझे शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें ये सभी चीज़ें दूंगा, तो मैं लालच में आकर ठीक है मैं करूँगा शादी, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ना पता हो कि ये जिन है, मुझे ना पता हो, और उससे शादी करने के बाद दो कंडीशन हो सकती है, या तो मुझे पता है या तो फिर नहीं है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है ना कि मैं माला माल हो जाऊँगा, क्योंकि वो एक शक्ति है, मैं जो चाहूँगा वो मुझे देगी, मुझे मिलता जाएगा धन दौलत शोहरत गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ मुझे मिलेगा। लेकिन कंडीशन भी यही है कि अगर आप उन्हें उसे धोखा देते हैं, उस जिन को, उस जिन के साथ रहते हुए, क्योंकि आप उससे शादी कर चुके हैं, ठीक है, वो तो कोई साधारण स्त्री है नहीं कि आपको छोड़ देगी, उसके साथ रहते हुए अगर आप किसी पराई स्त्री के साथ शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको मार देगी। ये है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू शास्त्रों में भी है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, हिंदू और मुस्लिम में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हमारे इसमें भी जो है होती है अप्सराएं होती है, तो अप्सराओं को वश में करते हैं तांत्रिक लोग, उनसे शादी करते हैं, अप्सराएं उन्हें बहुत कुछ देती भी हैं। आपने बहुत सारे अप्सराओं के नाम सुने होंगे जो देवताओं को रिझाने में आगे थे, रंभा वगैरह, उर्वशी वगैरह, ये सब अप्सराएं थी। खैर ये तो अलग बात है। अब देखिए जिन और जिन्नात में सबसे बड़ा अंतर दोस्तों ये है ना कि जिन इंसानों के बीच में रह सकते हैं, इंसानों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं, इंसानों से शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, उनके साथ घर बसा सकते हैं अगर वे चाहें तो, कौन चाहे तो, जिन चाहे तो। लेकिन जिन्नात के साथ बिल्कुल बात ऑपोजिट है। जिन्नात इंसानी लोगों से दूर रहती है, इंसान से दूर, यानी इंसानी जहाँ पर इंसान की बस्ती है, जहाँ पर इंसान का घर है, वहाँ पर जिन्नात जो है बिल्कुल नहीं रहती। और जिन्नात भी जो है ना इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, मरने के बाद उनकी दुनिया भी अलग है। लेकिन जिन और जिन्नात में बस यही फ़र्क समझ लीजिए कि जिन इंसानों का दोस्त बन जाता है, क्योंकि आपने देखा है विक्रम बेताल में वो जिन है, ठीक है, वो जिन्नात बिल्कुल नहीं है। तो यही फ़र्क है जिन और जिन्नात में कि जिन जो है इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन जिन्नात बिल्कुल नहीं करते, वो इंसानों से दूर भागते हैं। आपने जब भी देखा होगा विक्रम बेताल, तो बेताल क्या है, एक जिन है, जिन्नात नहीं है, वो जिन है, इसलिए वो विक्रम से दोस्ती करता है। अलादीन के चिराग में जो मरीद जिन है, वो जिन है तभी वो इंसान से दोस्ती करता है, अलादीन से दोस्ती करता है, वो जिन्नात होती तो फिर वो दोस्ती नहीं करती, वो होती ही नहीं, क्योंकि जिन्नात लोगों से दूर रहना पसंद करती है, ना कि लोगों के पास रहना पसंद करती है। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, जिन और जिन्नात में फ़र्क क्या है। जिन दोस्तों आग का बना होता है, जो हवा में रहती है, यानी हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार जिन्न का जो शरीर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आग से बनी होती है, और तो और वे हवा में घुल मिल जाते हैं, वे हवा में रहते हैं, हवा में विचरण करते हैं, उड़कर आते हैं और उड़कर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जिन और जिन्नात के बारे में जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। एक वीडियो में तो समझाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका अगर पार्ट टू होगा तो मैं पार्ट टू लाऊंगा, अगर ये वीडियो हिट हुई तो इसका पार्ट टू मैं अवश्य लाऊंगा। और वो जो पीर फकीर के बारे में मैंने आपको बताया, तो उनका भी जो उनके साथ जो मेरा एक वार्तालाप जो हुआ था उसके बारे में भी मैं एक दिन बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके वो वीडियो बनाने के लिए बोले तो। और भी अगर आप जानना चाहते हैं जिन और जिन्नात को लेकर, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी वाकया घटित हुई हो
तो वो वाकया आप हमें कमेंट करके या फिर हमारा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमारा ईमेल आईडी में ईमेल करके हमें आपके घटना के बारे में रूबरू कराइए। आपके उस अनुभव को, उस घटना को मैं वीडियो के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।